सरगुजा जिले में एटीएम बदलकर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 साल बाद आरोपी को बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया। दरअसल 2 मार्च 2022 को उदयपुर में आरोपी ने एटीएम से पैसे निकालने के दौरान राम लखन सिंह को अपना शिकार बनाया। आरोपी ने मदद का झांसा देकर एटीएम बदल लिया और पीड़ित के खाते से 1,14,000 रुपए निकाल लिए। ऐसी शिकायत पीड़ित ने उदयपुर थाने में दर्ज कराई थी। थाना उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है ये 2022 में 2/3/2022 को जो है प्राथमिक रिपोर्ट लिखा है कि मेरा जो है एटीएम बदल कर कुछ लोग द्वारा जो है फ्रॉड किया गया करके। इसी दौरान जो है जो एटीएम मशीन में जो पैसा शिफ्ट किया गया था उन लोगों में संदेही पर पता चला और संदेही जो है नवादा बिहार का होने से जो है अभी स्पेशल टीम वाइज गठित की गई थी, जिसमें थाना प्रभारी कुमार चंद्राकर और जो साइबर की टीम है ये गए हुए थे और वहाँ से जो आरोपी है अभिषेक कुमार इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। सारे साथ इसमें एक और अन्य आरोपी का होना पता चला है जिसपे जो है अभी पूछताछ और